यस। कौन सी मस्जिद है ये? लाल मस्जिद। कल क्या मामला हुआ था? भाई यहाँ कल सुबह SHO आया था, SHO निजामुद्दीन थाने का। तो उसने, मैं तो यहाँ था नहीं, हमारे सलीम साहब थे जो यहाँ रहते हैं, देखभाल करते हैं जो, तो उसे ये कहा था कि भाई मस्जिद टूटेगी, हाँ ये कहा था। तो इसने मेरे को कॉल किया, फिर कॉल किया मैं, फिर हमारे जो मुतवल्ली हैं हबीबुर रहमान, उसकी अहलिया के पास गया, वो तो उनका तो इंतकाल हो गया, उसकी अहलिया के पास गया। तो अहलिया के पास मैंने बाकी मैं ऐसे बात है, वो कोई आपके पास कुछ प्रूफ आया है, लेटर आया कोई? हमारे पास कुछ नहीं आया, हाँ कोई कागज़ नहीं आया हमारे पास में। तो उसके बाद मैं फिर मैं थाने भी, थाने से भी एक सभी इंस्पेक्टर का कॉल आया मुझे, मेरे पास अगर आपको SHO याद कर रहा है, मैं हाजिर हुआ वहाँ कुछ दिन बाद, देर बाद में। तो वहाँ सर को हुक्म करिए क्या है भाई, ऐसे हुआ है कि भाई जैसे आपकी मस्जिद को केस हार गई है, या मुझे उससे तो केस से तो मुझे पता इलम नहीं है, मैं जानता नहीं। हाँ हार गए वो, कहा होगा उसने, मतलब मेरे से नहीं कहा बेचारे कुछ भी। हाँ तो वो बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद दो चार मिनट बात हुई, दो तीन मिनट बात हुई, इतने उनका अफसर आ गए, फिर वो उसने कहा खान साहब आप जाइए, दोबारा मुलाकात होगी, करें होगी तो आपको बुला लेंगे हम दोबारा, इतनी बात हुई मुझसे। तो खाली इन लोगों ने ये कहा था कि भाई SHO आया था और ऐसे बोल के गया, वो मतलब भाई मस्जिद टूटी भाई, हाँ बस ये बोल के गया। मैं फ़ौरन थोड़ा वो हो गया, फिर अम्मा ने तो अल्लाह साहब को फ़ोन किया, फिर वो तकरीबन यहाँ 2 बजे करीब, तो हम यहाँ सब यहीं थे करीब 30-40 आदमी। उसके बाद मैंने करीबन 2-2.5-3 घंटा यहाँ रहे सब। उसके बाद में यहाँ पर बोर्ड का बोर्ड भी लगाया उन लोगों ने बाहर लगा दो। मुझे यहाँ करीबन 20 साल हो गई इमामत करते, और ये मस्जिद तो बहुत पुरानी है, ये सब भी चल रहा है इसका। हाँ ये इसको तकरीबन 3 साल हो गई, 3.5-3 साल हो गई। इसके आगे भी ज़मीन थी मस्जिद की? हाँ पूरी ज़मीन मस्जिद की, जिस जिसमें बैरिकेड हुई है सब मस्जिद की ज़मीन थी। हाँ सब कवर कर लिया, सारे कवर कर लिया, बस खाली मस्जिद का थोड़ा हिस्सा छोड़ा है बस। पानी वगैरह कब से? पानी वगैरह के करीबन 1.5 साल हो गए। हाँ मेरा नाम मोहम्मद सलीम, हाँ मैं जी 40 साल से मस्जिद में खिदमत ही करता हूँ, झाड़ू सफाई पानी वानी ये सब देखना मेरा ही काम है। हाँ जी मैं बच कल जी SHO साहब आए, नियामुद्दीन के SHO साहब आए, वो मेरे को बुला के बोलते हैं इधर आओ। नहीं हाँ जी तो कह रहे इमाम साहब कहाँ हैं? मैंने जी वो तो नमाज के टाइम आएंगे। मैंने बोली क्या काम है? वो बोलते हैं ये तुम्हारी सारी मस्जिद जो है टूटेगी। मैंने जी कहाँ तक टूटेगी? मैंने ये बरामदा टूटेगा कि नहीं जी पूरी टूटेगी मस्जिद। हाँ जी तो मैंने फिर घबरा के इमाम साहब को फ़ोन करा, इमाम साहब ने जो यहाँ के मुतवल्ली साहब जिनके इंतकाल होगा उनकी एहलिया को फ़ोन करा, उन्होंने फिर इधर उधर फ़ोन करा। जब जाके वक्फ बोर्ड वाले आए, उन्होंने अपना ये लगाया अमानतुल्ला साहब, वो हमारा शुरू से ही साथ दे रहे हैं भाई साहब, वो पहले भी आए थे, पहले भी उन्होंने जब मस्जिद की बाउंड्री कर दी थी, उन्होंने तारबंदी कर दी थी, उन्होंने आगे खुलवाई थी ये तारबंदी। कब से हुआ है पानी? पानी और ये पानी को तो भाई साहब 1.5 साल हो गया, इनका जो बेसमेंट बनना है इन्होंने पानी अंदर से काट दिया। तो पानी हम पहले तो वहाँ से भर के लाते थे, अब जरा कुछ नवाजियों ने कह दिया तो टैंकर का हिसाब कर लिया, और टैंकर भी कभी कभी आता, बाकी वहाँ से भरता हूँ रोड पार से पानी। ये रास्ता तो काफ़ी टाइम हो गया इसको तो बंद कर दिया इन्होंने, तो पूरा ही बंद कर दिया इन्होंने 2 साल के। हाँ सारी मस्जिद की ज़मीन है ये जितनी भी है सब मस्जिद की ज़मीन। इन्होंने पहले 2018 में इन्होंने थोड़े जो यहाँ मज़ार थे, दरगाह थी, कब्रें थे, दो कुएँ थे, सब इन्होंने कर दिए बराबर।